अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन एल ई टी वी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये स्टार सेट का एल ई डी टी वी है, ठीक है। तो स्टार सेट का ये इसका मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉडल 34H8 लाइट बार जो है वो भी 36। इसके अलावा बैकलाइट वोल्टेज भी आप देख सकते हैं। तो इसमें फॉल्ट क्या है, मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ कि इसमें फॉल्ट है क्या, ठीक है। ये मल्टीमीटर आपके सामने, ये मैंने दोस्त के ऊपर इसको रख दिया, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट ये है कि फर्स्ट टाइम जब हम इसको ऑन करते हैं तो एक टाइम ये इसकी बैक लाइट ब्लिंक करती है, फिर ऑफ हो जाती है, ठीक है। ये इसमें फॉल्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसके वोल्टेज चेक करें यहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके, ये अभी स्टैंड बाई मोड में है तो मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। स्टैंड बाई से ओपन करें तो आप देखेंगे इसकी बैक लाइट है, ये मैंने इसको ऑन किया, देखा बैक लाइट ने ब्लिंक किया, इसके बाद दोबारा से बैक लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बैक लाइट के वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसके बैक लाइट के वोल्ट चेक करेंगे। तो जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सेट हमारा स्टैंड बाई मोड में है, तो पहले सबसे पहले हम स्टैंड बाई मोड में यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 25 वोल्ट, ठीक है। ये 25-26 वोल्ट, थोड़ा इसमें मीटर में फॉल्ट है मल्टीमीटर में, तो 25 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, तो ये अभी हमारे एक वोल्ट चले गए 40 पे 42 पे, ठीक है। अभी वापस 43 पे, ठीक है। ये हमारे वोल्ट हैं 43 वोल्ट बैक लाइट के ऊपर, लेकिन ये बैक लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। 43 वोल्ट है बैक लाइट के ऊपर, फिर भी इसकी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही। तो इस बैक लाइट को कितने वोल्ट चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 45 से लेकर 61 वोल्ट होने चाहिए, फिर इसकी बैक लाइट जाके ऑन होगी, ठीक है। ये वोल्ट अभी यहाँ पे 42 वोल्ट मिल रहे हैं, तो हमारी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही, ठीक है, इस स्टार सेट की। तो यहाँ पे वोल्ट कितने चाहिए इसको, ये लिखा हुआ है इन्होंने। तो मैं ऐसा एक बात आपको बताता चलूं कि स्टार सेट में मूवमेंट देखने में फॉल्ट आया कि इसका जो मैंने काफ़ी सारे सेट जो स्टार सेट के हैं वो इस तरह के फॉल्ट निकाला है इसमें, कि इसमें अक्सर जो एलईडी टीवी है उनकी जो अक्सर ज़्यादातर फॉल्ट उनकी बैकलाइट का आता है, लेकिन इस सेट में, स्टार सेट में फॉल्ट इसका बैकलाइट का नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें फॉल्ट कैपेसिटर का आता है, ठीक है। मैंने अगे पहले भी 2-3 सेट इस तरह के रिपेयर किए, बैकलाइट बिल्कुल ओके थी तो फिर भी ऑन नहीं हो रही थी, यहाँ पे वोल्ट नहीं मिलते, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर हमें चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक हम इस स्टार सेट में अमूमन ये फॉल्ट आया कि ये इसके कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटर चेंज करने करेंगे फिर हमारा सेट जाके ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ इसको ओपन कर लेते हैं, इसके बोर्ड को देख लेते हैं, जी मैं भी आपके सामने रिमूव कर लेता हूँ। ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर है यहाँ पे, ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर है और यहाँ पे 35 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। ये दो कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, उम्मीद ज़्यादातर फॉल्ट जो है 35 वोल्ट का जो है, 330 UF और 35 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, इसको लेकर चेंज करने से हमारा इस तरह का फॉल्ट जो है ठीक हो जाता है। अभी मैं दोनों चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये 16 वोल्ट का और ये 35 वोल्ट का, ये दोनों को चेंज कर लेते हैं।
इसमें होता है इसमें डबल प्रिंट होते हैं, थोड़ा सा उसका पीछा पैसा स्क्वायर करना। जी जी मैंने लगा दिया, अब जिसकी वजह हमें ये 35 वोल्ट वाला चेंज कर दिया। ये 330 और 35 वोल्ट, ठीक है, ये तो जी ये मैंने ऐड कर दिए दोनों कैपेसिटर, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं पावर दे के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये 35 वोल्ट का है, ये 16 वोल्ट का है, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करने लगा, ये मैंने सक्री लगा दी है, ये बस ये इसका चेक बैक का, तो ये इसका एलईडी स्केल, ठीक है। तो ये इसका टुकन, अब हम इसको पावर देंगे, ठीक है। ये मैंने इसको पावर दे दी है, अब इसको स्टैंड बाई मोड में अभी स्टैंड बाई है, ये मैंने स्टैंड बाई से ओपन किया सेट को, तो आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। वीडियो को मैंने कहीं पे भी स्किप नहीं किया, बस मैंने ये दो कैपेसिटर चेंज किए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैक लाइट इसकी ओके, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सेट हमारा इस वक्त ओके है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर बैक लाइट ऑन नहीं हो रही तो इसकी बैक लाइट ही ख़राब हो, ठीक है। कुछ फ्रेंड नीचे कमेंट्स करते हैं कि ये अगर कैपेसिटर ख़राब है, ख़राब नहीं है तो फिर चेंज क्यों करते हो भाई। भाई सम टाइम वो नज़र नहीं आते, ऐसा नहीं पता चलता कि कैपेसिटर ख़राब है। अगर फ़र्ज़ करें कैपेसिटर जब ऊपर से फूला हुआ उभरा हो, उसका बार नज़र आ रहा हो, तो फिर तो नज़र आ रहा है ये कैपेसिटर ख़राब है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो बार भी नज़र नहीं आता फिर, लेकिन फिर भी कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, वीक होता है, वीक होने से वो वोल्ट आके नहीं पूरे दे पाता, ठीक है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं अभी बैकलाइट इसकी ओके, हमारा सेट इस वक्त ओके हो चुका है। ये दो कैपेसिटर चेंज किए बस, एक और दो, ये 16 वोल्ट का है,
और ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये स्टार सेट में अमूमन ज़्यादातर फॉल्ट कैपेसिटर का आता है, ठीक है। बैकलाइट का बहुत कम देखने में मिला।